मैं हूँ जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं अपनी समर कलेक्शन में जो हमारी लेटेस्ट कलेक्शन है उसमें से 6 बेस्ट जो डिज़ाइंस हैं, जो सबसे हॉटेस्ट सेलिंग जो डिज़ाइंस रहे हैं और जो मेरे फेवरेट डिज़ाइंस हैं, आई एम गोना शो दोज डिज़ाइंस इन दिस वीडियो। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर फैशन से रिलेटेड कॉन्टेंट, खूब सारे अपनी कलेक्शन में से डिज़ाइंस रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। सबसे पहला स्टाइल ये मलमल में इंडिगो ब्लू में कुर्ता है। ये मेरी सारी कलेक्शन में से सबसे फेवरेट स्टाइल है। एक तो इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको पहने हुए कुछ फैब्रिक फील भी नहीं होता। इसी फैब्रिक में हमारी कलेक्शन में एक और डिज़ाइन है जो मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे चल के दिखाऊंगी, बट इस डिज़ाइन के बारे में पहले अगर बात करें तो हमने इस कुर्ते में फ्रंट पे ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स लिए हैं। आई समहाउ हैव एन अट्रैक्शन फॉर बर्ड एम्ब्रॉयडरीज, ऐसे एनिमल्स वाले डिज़ाइंस। आप में से भी अगर किसी को ऐसे बर्ड्स वाले और एनिमल्स वाले डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपनी कलेक्शन में ऐसे डिफरेंट मोटिव्स, डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरीज अपनी कलेक्शन में डालें। इस कुर्ते का जो दूसरा पार्ट मुझे बहुत पसंद है वो है इसकी बैक में जो पूरा हमने टाई एंड डाई में डिज़ाइन दिया है। हमारी ये सारी आज जो मैं कलेक्शन दिखाने वाली हूँ इसमें हमने टाई एंड डाई के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं। टाई एंड डाई इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक ऑफ डाइंग। इसमें एक रेगुलर प्लेन डाइंग से या थोड़ी ओमरे डाइंग से इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। हमें ऐसे कलर्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ प्ले अराउंड करने में बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड सो चैलेंजिंग। आज के वीडियो में मैं जितने भी कुर्ताज दिखाने वाली हूँ, आप उनमें से किसी के लिए भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उसका अभी स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारी ये यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे इस कुर्ते के लिए या फिर किसी भी कुर्ते के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इट्स लाइक 40 डिग्रीज टुडे और इतनी गर्मी है कि पूछो मत, बट मैंने ये जो कुर्ता पहना हुआ है इट इज़ इन प्योर मलमल फैब्रिक और मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। इट्स एक्चुअली लाइक जैसे कुछ पहना ही नहीं हो, लाइक इट्स सो लाइट एंड सो सॉफ्ट। इसमें हमने बहुत डेलिकेट सी ये हैंड एम्ब्रॉयडरी में ये दो मोटिव्स दिए हैं और बाकी सारा जो डिज़ाइन है वो कलर ब्लॉकिंग में ही प्ले किया है। आगे और पीछे दोनों तरफ यही कलर ब्लॉकिंग है। बैक पे ऑफ कोर्स कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बिकॉज एक तो समर वेयर में इतनी ज़्यादा कढ़ाइयाँ पहनने का मन नहीं करता और बैक पे एम्ब्रॉयडरी करने की कैजुअल कुर्ताज में ज़रूरत भी नहीं होती। कलर ब्लॉकिंग वैसे भी मेरा बहुत एक फेवरेट एलिमेंट है। मैं अपने डिज़ाइंस में कलर ब्लॉकिंग को ऐसे प्लेस करती हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी बॉडी की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा ब्रेक करे, विजन को ब्रेक करे और मेरे क्लाइंट को एक स्लिमर लुक दे। आप कलर ब्लॉकिंग में चाहो तो कोई थोड़े कॉम्बिनेशन में थोड़े मैचिंग शेड्स भी यूज़ कर सकते हो या एकदम ऐसे ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। आजकल कॉन्ट्रास्ट कलर्स का, वाइब्रेंट शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट कलर्स का बहुत ट्रेंड है। थोड़ी जैसे रेट्रो स्टाइल्स, जैसे हमारे 70s और 80s वाले जो स्टाइल्स होते थे उन स्टाइल्स का, उन कलर्स का आजकल काफ़ी ट्रेंड है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इस कुर्ते को ऐसा ग्रीन एंड येलो में ही बनवाओ, आप चाहो तो इसको पिंक एंड ऑरेंज में बनवा सकते हो या रेड एंड ब्लैक में बनवा सकते हो। एनी कॉम्बिनेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ आप उसको कलर ब्लॉकिंग में यूज़ कर सकते हो। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि कलर ब्लॉकिंग में दो ही कलर होते हैं। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक 3 colors, 4 colors, however many colors you want। पर उनको कैसे ऐसा, ऐसे भी नहीं उनको करना कि रैंडम बिखरे हुए से लगे, इतने कॉन्ट्रास्ट कर दो कि उनकी आपस में कोई एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रही या कोई हार्मनी नहीं बन रही। यू नो, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स भी होते हैं, स्टिल दे ऑल लुक गुड टुगेदर। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आप चूज़ करें। अगर आपको कुछ ऐसे कलर्स चूज़ करने में दिक्कत आती है तो यू कैन टेक रेफरेंसेस फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम पिंटरेस्ट पे आप कलर ब्लॉकिंग के लिए कलर स्कीम सर्च कर सकते हैं एंड वो कलर कॉम्बिनेशंस अपने आउटफिट्स में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये वाला कुर्ता भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, माई वेबसाइट लिंक इज़ गिवन बिलो दिस वीडियो एंड मेरे हर एक पेज के ऊपर, मेरा YouTube, Facebook, Instagram, हर जगह पे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे कोई भी डिज़ाइन हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वी मेक ऑल साइजेस, ऑल साइजेस मीन्स ऑल साइजेस।
गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें पार्टी पे जाना होता है और कुछ फैंसी या फिर कुछ फॉर्मल पहनने का मन नहीं करता। रेगुलर अगर कॉटन वाले कुर्ता पहनते हो तो वो अच्छे नहीं लगते, बहुत थोड़े पार्टी में डल लगते हैं। तो उन सब समर की पार्टीज़ के लिए दिस फैब्रिक इज़ ब्यूटिफुल। इट इज़ कॉटन सैटन फैब्रिक। इसकी फील जो है वो एकदम बॉडी को सूदिंग कॉटन के जैसी है, बट बिकॉज इट हैज़ अ ब्लेंड ऑफ सैटन इन इट, इसमें हल्की सी शाइन है और वो शाइन के कारण ये फॉर्मल वेयर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। और इस कुर्ते में जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, इसकी जो ये कलियाँ हैं और उसके ऊपर ये बिल्कुल बारीक से एम्ब्रॉयडरी में जो डिटेलिंग है, आई जस्ट लव दिस। एंड हमारी बाकी की जो सारी कलेक्शन है उसमें पूरे पूरे टाई एंड डाई के कुर्ते हैं। ये वाले कुर्ते में हमने सिर्फ जो इसके बीच में जो इंसर्शन दी है सिर्फ उसमें टाई एंड डाई लिया है। सेम टाई एंड डाई इस कुर्ते की बैक की कलियों में भी है। ये वाला बहुत ही एक फ्लेरी ए लाइन कुर्ते में भी आता है, अगर आप बोलो तो लाइट घेरे वाला अनारकली उसमें भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक कोई भी, मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बताती हूँ कि आप किसी भी रेगुलर कुर्ते को एक स्टाइलिश एलिमेंट दे सकते हो उसमें स्टाइलिश स्लीव्स लेके। अब इसमें है तो रेगुलर बेल स्लीव्स, बट बिकॉज इसमें इतना लंबा कट है तो वो एक ओवरऑल बहुत स्टाइलिश सी लुक देती हैं। आई नो कि मैं अगर कहीं किसी पार्टी पे जा रही हूँ इन समर्स, चाहे मेरे को अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो आई वुड लव टू वेयर दिस कुर्ता, वेदर इट इज़ अ सन डाउनर या अगर सुबह दिन में भी कोई फंक्शन है, आई कैन वेयर इट वेयर एवर आई वॉन्ट टू। अब कुछ लोग होते हैं जो कुर्ता भी बिना दुपट्टे के नहीं पहनते हैं, तो आप अगर चाहो तो आप इस कुर्ते के साथ एक सेपरेट दुपट्टा ऑर्डर कर सकते हो, और उसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा टाई एंड डाई का दुपट्टा लो। हाँ, अगर टाई एंड डाई नहीं पसंद है तो वी कैन गिव यू अदर ऑप्शंस, बट जैसे इस कुर्ते में टाई एंड डाई कम है, थोड़ी एकदम मिनिमल सी है, तो हम उसका दुपट्टा जो है वो फुल ऑन टाई एंड डाई वाला ले सकते हैं। ये वाला कुर्ता मेरी सारी कलेक्शन में इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। ऑल्दो और भी बहुत सारे कुर्ते हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मे बी इसका जो कलर है इट रियली सूट्स मी। आपकी भी अगर इफ़ यू हैव अ बेसिक इंडियन ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन देन यू कैन ईजिली पिक दिस कुर्ता। ये एक नेचुरल हमारी जो इंडियन कॉम्प्लेक्शन की जो अंडरटोन्स होती है ये वाला कलर उसको बहुत एनहांस करता है। देन अगर कुर्ते की बात करें, इसका जो सिलुएट है, इसका जो ये पूरा फ्लैरी कट है, ए लाइन सिलुएट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड देन इसका लोअर, इट्स अ वेरी वाइड लेग, थोड़ा प्लाजो शरारा टाइप है। मुझे गर्मियों में ऐसे खुले खुले फ्लोई लोअर्स और फ्लोई कुर्ते, फ्लोई स्लीव्स हो, मुझे ऐसे पीसेस पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। एंड हमारी सारी कलेक्शन में जैसे हमने बहुत प्रोमिनेंट टाई एंड डाई लिया है, इसमें हमने टाई एंड डाई ऐसे साइड पैनल में लिया है, एंड दैट्स वन रीज़न कि ये बाकी सारी कलेक्शन से एकदम हटके है। अगर आप लोग मेरे को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने ये वाला कुर्ता मेरी रील्स में ज़रूर देखा होगा। इनफैक्ट ये सभी कुर्ते जो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ हमने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं। और अगर आप अब तक मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी ज़रूर कीजिएगा। मैं वहाँ पे अपनी कलेक्शन रेगुलरली अपलोड करती हूँ। आपको कोई भी हमारी लेटेस्ट कलेक्शन देखनी हो, हमारे लेटेस्ट डिज़ाइन देखने हो, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज़ द प्लेस। तो चलो अब बात करते हैं इस कुर्ते के बारे में। ये वाला हमारी कलेक्शन में से बहुत ही एक फेवरेट पीस रहा है अमंगस्ट आवर क्लाइंट्स। ये बहुत एक हॉट सेलिंग पीस रहा है बिकॉज एक तो ये प्लस साइज वालों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें जो मैं हर वक्त बात करती हूँ कलर ब्लॉकिंग की, ऐसा सेंटर डिवीजन की, इसमें कलर ब्लॉकिंग का एक एलिमेंट है जिससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो उसकी जो विजन जो है वो ब्रेक हो जाती है एंड आप अपने एक्चुअल साइज से पतला दिखते हैं। एंड साथ ही ये वाला स्टाइल शॉर्ट हाइट वालों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, इसमें जो हमने एक साइड पे ये टाई एंड डाई का इफेक्ट दिया है, ये वर्टिकल लाइंस में जो ये इफेक्ट दिया है, इससे एक वर्टिकल इल्यूजन क्रिएट होती है। मींस आपकी जो एक्चुअल हाइट है उससे आप इससे लंबा दिखते हैं, लाइंस हेल्प यू लुक टॉलर। तो ये वाला पीस ऑल इन ऑल अगर आपकी हाइट छोटी है और आप प्लस साइज हैं तो ये आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। एंड साथ ही इस कुर्ते में जो हमने ये स्लीव्स के ऊपर सारी ये एम्ब्रॉयडरी दी है, यहाँ इसके जो फ्रंट के जो मोटिव्स दिए हैं, एंड इस पे ये बहुत डेलिकेट से टैसल्स हैं, इसका हर एक एलिमेंट देखने वाला है एंड बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही प्यारा है। आप इसको चाहे फॉर्मल किसी वेडिंग के साइड फंक्शंस में या ऐसे जनरल गेट टुगेदर्स में आप इसको इजीली पहन के जा सकते हैं। एंड समर्स में पार्टीज़ में कोई बहुत हैवी पीसेस पहनने का मन नहीं करता है, तो ऐसे ओकेजन्स के लिए दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस।
मैंने आज इस वीडियो में जितने भी कुर्ते दिखाए हैं सब बहुत ही प्यारे, बहुत वाइब्रेंट, ब्राइट कॉम्बिनेशन में थे। बट अब वो लोग क्या करें जिनको बहुत भड़कीले कलर्स या एकदम ऐसे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट वाले कॉम्बिनेशन नहीं पसंद, तो उन सब के लिए दिस इज अ ब्यूटिफुल पीस। इसमें हमने टाई एंड डाई दिया है, बट इट्स अ वेरी सूदिंग पेस्टल कॉम्बिनेशन। कोई ऐसा एकदम आंखों को नहीं लगने वाला। कई बार कुछ लोग आके कमेंट करते हैं कि अरे गर्मियों में इतने ब्राइट कलर्स कैसे पहन सकते हो। ट्रेंड एक जगह, बट अगर आपके मन को पसंद नहीं है, देर आर सम पीपल हु डोंट बॉदर अबाउट ट्रेंड्स, तो ऐसे लोगों के लिए दिस वन, दिस लेमन येलो कलर का कुर्ता, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। इसमें हमारा कलर ब्लॉकिंग वाला एलिमेंट भी है और जो साइड में एक टाई एंड डाई जो हमारा एक मेन फीचर रहा है इस पूरी कलेक्शन में वो भी है। और इसकी अगर स्लीव्स की मैं बात करूं तो इस कुर्ते की स्लीव्स हमारी सारी कलेक्शन में से एकदम अलग है। अब ये वाली स्लीव्स का स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको ये अक्सर वेस्टर्न टॉप्स में दिखेगा। बट अगर बात करें कि ये कुछ नया स्टाइल है तो इट्स नॉट सो। साड़ीज़ के साथ जो ब्लाउजेज चला करते थे या अभी भी इनका बहुत ट्रेंड है, तो वो इतनी लेंथ की स्लीव्स उनके साथ बहुत प्यारी लगती हैं। इतनी स्लीव लेंथ वाले ब्लाउजेज का बहुत टाइम से ट्रेंड रहा है एंड अभी भी है। बट अब हम ये वाली स्लीव स्टाइल्स कुर्ताज में और इंडियन सूट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने लग गए हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी कुर्ता, जितने स्टाइल्स मैंने दिखाए आपको इसमें से कोई भी कुर्ता अगर पसंद आता है तो आपको वो मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। हमारे पास इसमें हर साइज़ अवेलेबल है, और अगर हमारी वेबसाइट पे वो अवेलेबल नहीं है, लाइक हमारी वेबसाइट पे सिर्फ 3XL तक ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसके बाद कस्टम फिट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपना साइज़ नहीं भी मालूम है, जैसे कई बार होता है कि आपको ऊपर से तो लार्ज साइज़ पूरा आता है बट नीचे से मे बी यू हैव अ पियर शेप बॉडी, या वैसे आपकी अगर थाइज़ हैवी हैं या कुछ भी कि ऊपर का साइज़ और नीचे का साइज़ दो साइज़ को मिक्स करके बनाना है, तो इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट कस्टम फिट एंड वी विल गेट इन टच विद यू। आपका जब ऑर्डर आएगा तो उसके बाद हमारी टीम में से आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट करेगा और आपका मेजरमेंट वीडियो कॉल पे लेके आपके साइज का पीस हम आपको बना के भेजेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन सब कुर्ताज में से, इन 6 स्टाइल्स में से आपका सबसे फेवरेट स्टाइल कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड इफ़ यू आर अ मेल, अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपनी कजन्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।